इंडियन नेवी का जो फर्स्ट इंटेक है 2022 का, उसका जो फर्स्ट स्टेज अभी चल रहा है। तो जो कैंडिडेट अपना फर्स्ट स्टेज देकर आए हैं अर्थात अपना रिटन एग्जाम साथ में जो PFT क्लियर करके आए हैं, तो उनको इंतज़ार है कि जो मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश की जाएगी। साथ साथ में उनको एक पेपर भी दिया गया है और उस पेपर पर सब कुछ मेंशन कर दिया गया है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है उस दिन पब्लिश की जाएगी और आपका जो मेडिकल प्रोसेस है किस तरीके से लिया जाएगा। और साथ साथ में आप जब चिल्का पर रिपोर्टिंग करोगे तो किस डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, और साथ साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं अपने साथ आपको अभी से रेडी करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी जो मेरिट लिस्ट है पब्लिश कर दी जाएगी तो आपको वहाँ पर इतना समय मिलेगा नहीं। तो आप क्या है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा अपने साथ रेडी रखें। आई थिंक सभी कैंडिडेट के कम्प्लीट होंगे, लेकिन जिन कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स में अभी किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो क्या है कि वह अपना डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कम्प्लीट कर ले। और साथ साथ में इस पॉइंट पर भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी क्या था कि बहुत सारे कमेंट आ रखे थे, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कॉमन क्वेरी यही है कि जो कोर्ट में अभी केस चल रहा है नेवी से रिगार्डिंग, क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिजल्ट पर। तो होना उनका कहीं ना कहीं यह डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपना PFT रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट करके आते हो, साथ में जब आपका पता चलता है कि नेवी में कोर्ट आपका केस चल रहा है नेवी से संबंधित, तो हमारा इससे क्या हमारा जो रिटन एग्ज़ाम देकर आए जो PFT देकर आए वह कैंसिल हो जाएगा क्या, इस सब पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ उस लेटर पर हम चलेंगे, और जो कैंडिडेट अपना इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको पता होगा जो इंडियन नेवी का EE & SSR का जो बैच है उसकी जो ज्वाइनिंग हुई फरवरी एंड मार्च में होने वाली है। वहीं जो MRA अर्थात आपका मैट्रिक रिक्रूट है जो 10th वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो अप्रैल में प्रारंभ हो जाएगी। उन सभी कैंडिडेट को यह एक पेपर दिया गया है इंडियन नेवी की तरफ से, यह आप यहाँ से देख सकते हैं। यह जो पेपर दिया गया है जो एक पेज दिया गया है उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स के मन में डाउट होते हैं और उन डाउट को वह क्या है कि कहीं ना कहीं अफवाहों के माहौल में ना पड़े और अपने जो डाउट हैं इसके ज़रिए क्लियर करें। क्योंकि इस समय क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखा है कि उनके माइंड में यही डाउट बने होते हैं, क्या होगा आगे, रिजल्ट कब आएगा, क्या कुछ प्रोसेस होएगा, हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ चाहिए जब हम अपना PFT के बाद जो भी कोई कैंडिडेट अपने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा जिसका स्थान मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, जब चिल्का पर रिपोर्टिंग करेगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ होने चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसमें साफ साफ यही बता दिया गया आपकी जो मेरिट लिस्ट है आप यहाँ से इसको रीड करें, एंड ऑफ दिसंबर में बताइए। और साथ में मेरी 2 से 3 कैंडिडेट से बात हुई थी, इसमें जो बताया गया आपकी एंड ऑफ दिसंबर बताई गई है, लेकिन जो कैंडिडेट बता रहे थे उन्होंने ये भी बताया था कि जो ऑफिसर थे जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे थे, आपका रिटन एग्ज़ाम ले रहे थे या फिर PFT कर रहे थे, तो जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने जो डेट बताई थी वह 21 दिसंबर बताई थी आपकी, जो 21 दिसंबर को आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट अर्थात एनरोल कौन कौन कैंडिडेट किए जाएंगे मेडिकल के लिए आ जाएगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता चलूँ, यदि आपकी जो लिस्ट है 21 दिसंबर को नहीं आती है तो 23 तारीख को डेफिनेटली 23 या फिर 24 को आपकी जो मेरिट लिस्ट है डेफिनेटली पब्लिश कर दी जाएगी। तो अभी आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, और जिन कैंडिडेट का लगता है कि हमारे कहीं ना कहीं डाउट है, तो आप क्या है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने जो बॉडी है उसका चेकअप करा लें। यदि आपका कोई भी फॉल्ट पाया जाता है तो कहीं ना कहीं आप उस फॉल्ट को जब आपका सिल्का पर मेडिकल लिया जाएगा तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे आसानी से। और इन इंस्ट्रक्शन में ये भी बता दिया गया आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है अर्थात आपकी जो मेरिट लिस्ट है आप इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार चेक करते रहें। इफ़ यू हैव क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन एंड PFT, यदि आपका मेरिट लिस्ट में आपका स्थान आ जाता है और आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, यदि आपने क्वालिफाई कर लिया आपका रिटन एग्जाम साथ में आपका PFT क्लियर हो चुका है, तो आपको यहाँ पर वेट फॉर सेलेक्ट लिस्ट, आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा सेलेक्ट लिस्ट का। और यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप यहाँ से सेकंड पैरा को देख सकते हैं, जो सेकंड पैरा दिया गया, इफ़ सेलेक्टेड ऑल सेलेक्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन डाटा इन शिल्का एंड अदर एसोसिएट फॉर्म। तो जो भी अदर एसोसिएट फॉर्म है जिसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, साथ में आपका
पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म होगा। और जो आपका कॉल लेटर होगा, जो कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या कॉल लेटर हमारा पोस्ट के जरिए आएगा, तो आपका जो कॉल लेटर है ऑनलाइन आपका कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसमें एक पॉइंट मेंशन कर दिया जाएगा कि इस डेट से आपके जो कॉल लेटर हैं डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और साथ में आपकी जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू क्या है कि अपना जो कॉल लेटर आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। जब से कोरोना आया है और उस समय से इंडियन एयरफोर्स ने जो कॉल लेटर हैं ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ कर दिए, और साथ में जो आपका नेवी है, नेवी ने जब से आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना प्रारंभ हुआ है तब से उसने जो कॉल लेटर हैं ऑफलाइन भी जारी करता था लेकिन ऑनलाइन भी जारी करना उसने प्रारंभ कर दिए। लेकिन जब से कोरोना आया है उसने केवल ऑनलाइन कॉल लेटर आपके इश्यू किए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो कॉल लेटर हैं समय पर नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब क्या है कि आपको जैसे ही आपकी एनरोलमेंट लिस्ट अर्थात की जो सिलेक्ट लिस्ट आ जाएगी तुरंत ही आप अपना कॉल लेटर आसानी से डाउनलोड कर पाओगे यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो उस लिस्ट में। और वहीं जो तीसरा लेटर जो आपका तीसरा पैरा दिया गया है, इसमें आपका जो तीसरा पैरा दिया गया तीसरा पैरा में यदि आप पूरी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर लेते हो और आपका जो मेडिकल होगा INS चिल्का अर्थात ओडिशा में आपका मेडिकल होने वाला है, और साथ साथ में यदि कोई कैंडिडेट अपने मेडिकल प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता अर्थात तो उसका कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं बनता है मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, तो उसको वहाँ पर एनरोल कर दिया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। और यदि किसी कैंडिडेट का कोई भी पॉइंट बन जाता है मेडिकल के दौरान तो उसके पास 21 दिन का समय रहेगा क्लेम करने के लिए। 21 दिन के अंदर क्या है कि आप अपने पॉइंट को क्लियर करा सकते हो। और साथ साथ में तीसरे जो पैरा है उसमें ये भी मेंशन किया गया है आपकी जो कॉल लेटर होगा उस पर जो टाइम एंड डेट बताई गई होगी उसी टाइम एंड डेट पर आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। यदि आप उसके बाद रिपोर्टिंग करते हो तो आपका वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, और किसी भी प्रकार का हाँ वहाँ पर कोई ये नहीं चलेगा कि हम लेट हो गए या फिर कोई भी आपका वहाँ पर बहाना चलने वाला है नहीं। तो आप अपना रिपोर्टिंग टाइम पर ही करें चाहिए जब आप चिल्का पर रिपोर्टिंग करोगे। कॉल लेटर आपका यही होगा जो आपका सेलेक्ट लिस्ट के बाद आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में आपके जो बी सेक्शन दिया गया है, बी में आपका बताया आपका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि आपका SP से साइन होना चाहिए। और वहीं जो सी दिया गया है, सी में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पर आपका विलेज प्रधान, आपका जो गांव का प्रधान है, साथ में आपका चाहे प्रिंसिपल हो चाहे आपका गैजेट फर्स्ट रैंक ऑफिसर के सिग्नेचर उस पर होने ही चाहिए, उसके थ्रू ही आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आसान से आप इनको बनवा कर रखें। और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जो कि इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएगा, तो वहाँ से हम डाउनलोड करके आपको बता देंगे किस तरीके से आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी है। साथ में जो डी दिया गया है, ओरिजिनल आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है NCC यदि आपके पास है तो, और साथ में उसकी 6 फोटोकॉपी होनी चाहिए। आप यहाँ से इसको देखें आसानी से, ओरिजिनल होने चाहिए, सभी ओरिजिनल होने चाहिए, साथ में इसकी 6 जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए। जो ई दिया गया 16 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपके 16 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। जो एफ दिया गया पेरेंट कंसेंट फॉर्म सिग्न बाई पेरेंट्स एंड गार्जियंस, आपका कंसेंट फॉर्म होना चाहिए एक पेरेंट्स जो कि इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसको भी हम बता देंगे कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और किस तरीके से क्या कुछ करना है। वही जो जी दिया गया, जी सेक्शन में बता दिया गया आपका जो 2 ज्वाइंट फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट्स, आपके 2 ज्वाइंट फोटोग्राफ होने चाहिए जिसमें आपका पेरेंट्स के साथ आपके फ़ोटो हों, वो भी 2। और वहीं जो एस दिया गया उसमें आपका पैन कार्ड आधार कार्ड आपको अपने साथ लेकर जाना है ओरिजिनल। तो ये तो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। और जो चौथा पैरा दिया गया, चौथे पैरा में आपको तीसरे पैरा में ही बता दिया था किस तरीके से आपका मेडिकल लिया जाएगा, मेडिकल प्रोसीजर है, और 20 डेज के अंदर आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगा जब आप जो मेडिकल होगा उसके अंतर्गत आपका कोई भी मेडिकल पॉइंट पाया जाता है। नोट में बता दिया गया है कि आपको जो मेडिकल है इंडियन नेवी द्वारा ही वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अथॉराइज्ड से क्या है अपना लिखवा कर ले जाएं कि हमारा बॉडी फिट है आपने हमको अनफिट कर दिया है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर चलने वाला है नहीं। और वहीं जो सेकंड दिया गया, सेकंड में ये बता दिया गया कि जो कैंडिडेट फंस जाते हैं कि दलालों के चक्कर में कि हमको इतने पैसे दे दो,
और हम आपका काम करा देंगे, आपका मेडिकल क्लियर करा देंगे या फिर आपका सेलेक्ट लिस्ट में स्थान बना देंगे। तो आपको यहाँ पर किसी भी एजेंट के झांसे में आने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो ही चुका है। केवल आपको इंतज़ार है अपनी सेलेक्ट लिस्ट का। उसके बाद आपको पता होगा बहुत सारे एजेंट लग जाते हैं कि हम आपका मेडिकल क्लियर करा देंगे, ये है वो है, और आपसे लाखों रुपए ठग लेते हैं। तो आपको इस प्रोसेस में नहीं पड़ना है, सब आप कुछ आपका यहाँ पर फियर होने वाला है। और यही आपको बताना था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा किस स्टेट की कितनी कट ऑफ जाएगी। थैंक्स, जय हिंद।